बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे डॉक्टर एस एम शुक्ला का चैप्टर 1, जो कि है गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे का क्वेश्चन नंबर 24। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हम लोग का कि ABC क्लब का 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निम्नलिखित प्राप्ति और भुगतान खाता उपलब्ध है। हमें आय व्यय खाता और उसी तिथि पर आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए कहा गया है। ठीक है, ये प्राप्ति भुगतान खाते का हमारा पूरा विवरण दिया हुआ है, साथ में इस साइड हमारा अन्य सूचनाएं दी हुई हैं। तो सूचनाओं को हम लोग देख लेते हैं। क्या है कि प्राप्त चंदा के अंतर्गत 10,000 रुपये 2019-20 वर्ष के लिए और 6,000 रुपये जो है वो 2021-22 वर्ष के लिए सम्मिलित है। ठीक है, यानी कि जो चंदा हमें प्राप्त हुआ है प्राप्ति भुगतान खाते में, उसमें 10,000 जो है वो पिछले वर्ष का है और 6,000 जो है वो अगले वर्ष का है। तो हमें इसे क्या करना होगा, समायोजन करना होगा। तो इसके लिए हम लोग चंदा पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पर टिक लगा लेंगे ताकि हमारा समायोजन ये छूटे ना। ठीक, उसके बाद है नए सदस्यों का प्रवेश शुल्क का 10% क्या है, पूंजीकृत करना। यानी कि जो हमारे नए सदस्यों का प्रवेश शुल्क है 20,000 रुपये, इसका जो 10% है वो पूंजीकृत होगा। यानी कि 10% हम लोग किसमें दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, और जो बाकी हमारा बच रहा है 90% वो किस में जाएगा, वो हमारा आय व्यय खाते में जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग डॉट लगा लेते ताकि हमें याद रहे कि यहाँ पर हमें कुछ समायोजन करने हैं। फिर है वेतन जो है वो अदत्त है 10,000 और अन्य व्यय जो है वो 8,000 रुपये अदत्त हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर हमारा ये रहा वेतन और ये रहा अन्य व्यय। ठीक, यहाँ पर हमें समायोजन करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखानी है, इन सभी चीज़ों के आधार पर हमें क्या करना है, आय व्यय खाता और बैलेंस शीट बनाना है। सॉरी, हमने यहाँ पर पहले छाटा नहीं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें आय व्यय खाते में दिखानी, तो अब हम लोग फिलहाल उस चीज़ को कर लेते हैं। देखिए, प्रारंभिक शेष तो हम लोग आय व्यय खाते में दिखाएंगे नहीं, चंदा हमारा जाएगा। ठीक, दान दिखाया जाएगा, रद्दी का विक्रय धन दिखाया। रद्दी का मतलब क्या, कि जो कबाड़ है, जो भी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी वस्तुएं हैं, उनको बेचा गया, तो उनका विक्रय हम लोग दिखाते हैं। किराया जो मिला वो दिखाएंगे, नए सदस्य का प्रवेश शुल्क भी दिखाएंगे, बट किस बिहाव पे, जितना हमें क्वेश्चन में बोला है उस हिसाब से दिखाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद बैंक ब्याज है उसे भी दिखाया जाएगा, दूरभाष व्यय दिखाएंगे, विद्युत व्यय, डाक व्यय दिखाएंगे, पुस्तकों का क्रय नहीं दिखाया जाएगा, मनोरंजन दिखाएंगे, वेतन दिखाएंगे, निवेश को नहीं दिखाया जाएगा, अन्य व्यय को दिखाएंगे और अंतिम शेष नहीं दिखाएंगे। ठीक, पुस्तक और निवेश हमारी संपत्तियां हैं, इन्हें हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, तो अब इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देते हैं। तो देखिए, ये हो गया हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहले हम लोग इनकम साइड की बात करते हैं। तो इनकम साइड में सबसे पहले हम लोग चंदा दिखाएंगे। चंदा हमें टोटल मिला है 1,06,000 रुपये। ठीक, इस 1,06,000 में बोला है समायोजन में कि 10,000 जो है वो पिछले वर्ष से संबंधित, यानी कि पिछले वर्ष का 10,000 हमें इस साल मिला, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि वो प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग रहा होगा। ठीक है, पिछले साल हमें नहीं मिला होगा, तो पिछले साल जब नहीं मिला तो वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हो गया, तो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे माइनस करेंगे 10,000, तो हो गया टोटल 96,000। उसके बाद बोला कि जो 6,000 है वो 2021-22 का, यानी कि अगले वर्ष समझ लीजिए, यानी कि ये एडवांस में हमें मिला, तो जो इस साल हमें एडवांस मिलता है उसे भी हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यहाँ पर माइनस करेंट ईयर का एडवांस कर देंगे 6,000, तो इस साल का जो नेट हमें सब्सक्रिप्शन इस साल के लिए मिला है वो कितना मिला है, 90,000 रुपये। ठीक, उसके बाद जो दान था, रद्दी का विक्रय था, किराया था, वो सब हम लोग दिखा दिया। उसके बाद एडमिशन फ़ी ऑफ न्यू मेंबर्स, तो टोटल हमें जो एडमिशन फ़ी मिला है वो कितना मिला है, 20,000। ठीक है, और बोला है कि उसका 10% जो है पूंजीकृत करा है, तो 20,000 का 10% कितना हुआ, 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये हमें यहाँ पर नहीं दिखाने, तो 20,000 में से 2,000 हम लोग निकालेंगे, बचे कितने, 18,000। तो उस 18,000 को हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, बाकी की जो 2,000 का एडमिशन फ़ी है वो कहाँ पर जाएगा, हमारे बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर बैंक का ब्याज 2,500 रुपये दिखा देंगे। एक्सपेंडिचर साइड में सारे एक्सपेंसेस जैसे जैसे हमारे हुए हैं उन सारे एक्सपेंसेस को दिखा देंगे। सैलरी की बात करें तो 10,000 अदत्त वेतन था तो उसे जोड़ के दिखाएंगे, और अन्य व्यय का 8,000 अदत्त था तो उसे भी हम लोग ऐड करके दिखाएंगे। लास्ट में दोनों साइड का हम लोग टोटल करेंगे, टोटल करने पर डेबिट में हमारा कम बैलेंस आ रहा है, कितना कम आ रहा है, 64,000 कम आ रहा है। तो ये जो 64,000 की कमी है इसे हम लोग सरप्लस के रूप में दिखा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हम लोग क्या बनाएंगे, तो अब हमें बोला है आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए, तो बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो आर्थिक चिट्ठा बनाने से पहले हम लोग पहले यहाँ पर उन मदों को देख लेते हैं कि कौन कौन सी मदों को हमें आर्थिक चिट्ठे में दिखाना है। ठीक है, तो फाइनल बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या जाएगा, एसेट साइड की अगर हम लोग बात करें तो एसेट साइड में कैश को हम लोग दिखाते हैं। तो कैश हमें कहाँ से प्राप्त होगा, तो जो प्राप्ति भुगतान खाते से हमें लास्ट में कैश बैलेंस CD मिलता है, उसे हम लोग अपने बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो हमारा बैलेंस CD यहाँ पर है 22
क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1,65,000। तो इस 1,65,000 के बैलेंस को हम लोग अपने बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक, ये हो गया। उसके बाद निवेश खरीदा गया था, इस निवेश को भी दिखाएंगे बैलेंस शीट में। पुस्तकें खरीदी गई थी, इस पुस्तक के वैल्यू को भी दिखाएंगे। ये हो गई एसेट साइड का, एसेट में अब और कुछ भी यहाँ पर नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी की बात देखिए, तो यहाँ पर जो हमारे नए सदस्यों का प्रवेश शुल्क जो 2,000 रुपये हमने पूंजीकृत किया है, उस 2,000 को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड। क्यों? क्योंकि ये प्रवेश शुल्क है। प्रवेश शुल्क अगर हमें मिला हुआ है तो हमारी सदस्यों के प्रति क्या होती है, दायित्व तो बनी है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इसको कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड 2,000 रुपये दिखाएंगे। यहाँ पर हम लोग टिक लगा लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा कुछ भी जाने लायक नहीं। अब हम लोग समायोजन में चलते हैं, समायोजन में देखेंगे। तो समायोजन में बोला है कि प्राप्त चंदा के अंतर्गत 2019-20 वर्ष के लिए, यानी कि पिछले साल समय थे, तो इसको हम लोग इस साल तो दिखाएंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे ये जो 6,000 है वो अगले वर्ष समय थे, यानी कि अगले वर्ष का हमें एडवांस चंदा मिला। अगर हमें चंदा एडवांस मिला है तो हमारे लिए वो क्या हो गया, एक तरीके से दायित्व तो हो गया। तो इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में। ठीक है, तो ये हमारा जाएगा लायबिलिटी साइड में, ये 6,000 का चंदा। उसके बाद जो प्रवेश शुल्क पंजीकृत हुआ था उसे हमने टिक लगा ही लिया है। अदत्त वेतन जो है इसे भी हम लोग दिखाएंगे लायबिलिटी में, और जो अन्य व्यय अदत्त है 8,000 का उसे भी हम लोग लायबिलिटी में दिखाएंगे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन के हिसाब से इतनी सारी चीज़ें हमारी जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें जाएंगी। लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दिया, यहाँ पर कैपिटल फंड यानी कि पूंजी कोष की कहीं पर भी बात नहीं हुई है, और जो हमारा आर्थिक चिट्ठा है वो बिना पूंजी कोष के बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हमारे पास पूंजी कोष नहीं है तो हमारी संस्था कैसे चलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्वेश्चन में इनडायरेक्टली पूंजी कोष निकालने के लिए कहा गया है, यानी कि हमें यहाँ पे पूंजी कोष की राशि नहीं दी हुई है, हमें क्या करना है, पूंजी कोष निकालना पड़ेगा। तो पूंजी कोष निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी हमारी पिछले वर्ष से संबंधित जो भी मदें हैं एसेट साइड के और लायबिलिटी साइड के, उन सभी को दिखाएंगे। लास्ट में हमारा लायबिलिटी साइड का जो बैलेंस आएगा वो एसेट साइड के बैलेंस से कम आएगा। ठीक है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वही हमारा क्या होता है, कैपिटल फंड होता है। जैसे कि आप देख लीजिए इस क्वेश्चन में हमारा पिछले साल से जो संबंधित है वो है ये, जो हमारा 10,000 का चंदा पिछले वर्ष का है, यानी कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, इसे हम लोग दिखाएंगे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, तो हम इसको राउंड कर लेते हैं ताकि हमें ये अलग हो जाए कि ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और कुछ भी पिछले वर्ष से संबंधित नहीं है। और प्राप्ति भुगतान खाते की बात करें तो प्राप्ति भुगतान खाते में ये जो ओपनिंग बैलेंस है कैश का, इसे हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है, तो ये इसे दिखाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी कोई भी मद ऐसी नहीं है जो कि पिछले वर्ष से संबंधित है। तो यहाँ पर दो मदें ही सिर्फ और सिर्फ दी हैं इस क्वेश्चन में हमारे पिछले वर्ष से संबंधित, तो इनके आधार पर हम लोग कैपिटल फंड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमने जैसे कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया है, कब बनाया है, 31 मार्च 2020, यानी कि पिछले साल का बैलेंस शीट। देखिए पिछले साल का बैलेंस शीट हमारे इस साल के लिए यानी कि वर्तमान वर्ष के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट होता है, इसलिए डेट पिछले साल के अंत की रहेगी, लेकिन ये हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस शीट का काम करेगा। ठीक है, अब क्या क्या जाएगा, तो एसेट साइड में हमें दो मदें दी हैं, एक कैश इन हैंड का दिया 1,70,000 और एक्रूड सब्सक्रिप्शन दिया 10,000। लायबिलिटी साइड की कोई भी मदें हमें नहीं दी हुई थी क्वेश्चन में, तो इस हिसाब से टोटल होता है एसेट साइड का 1,80,000 और हमारा लायबिलिटी साइड जो है वो 1,80,000 से कम बता रहा है। ठीक है, तो ये टोटल जो 1,80,000 है ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड, और इसको हम लोग कैसे लाए हैं, बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल फंड निकालते हैं। तो ये हमारा वर्किंग नोट में आपका ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कैपिटल फंड आ गया। अब हमें पता है कि हमारा कैपिटल फंड कितना है, तो कैपिटल फंड और बाकी जितनी भी मदें अभी हमने छाटी थी अपने बैलेंस शीट में दिखाने के लिए, उन सभी मदों के आधार पे हम लोग अपना क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, तो उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा 31 मार्च 2021 का बैलेंस शीट, यानी कि इस साल का क्लोजिंग बैलेंस शीट। इसमें हम लोग क्या दिखाएंगे, तो कैश इन हैंड जो अंतिम शेष बचत था प्राप्ति भुगतान खाते का 1,65,000 उसे दिखाएंगे। बुक्स हमने 25,000 की खरीदी थी और इन्वेस्टमेंट हमने 80,000 का खरीदा था, इन सारी चीज़ों को एसेट में दिखाएंगे। लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड हमारा 1,80,000 का हमने अभी निकाला था, उसमें जो सरप्लस आया है 64,000 उसे हम लोग ऐड करेंगे, टोटल हो गया 2,14,000। एडमिशन फी जो पूंजीकृत हुई थी 2,000 की, एडवांस सब्सक्रिप्शन अगले साल का 6,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी और अदर एक्सपेंसेस, इनका वैल्यू हम लोग दिखाएंगे। और टोटल जब हम लोग करेंगे तो हमारा 2,70,000 का ये बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग को ये बैलेंस शीट
बनानी थी और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट था वो ये इम्पोर्टेंट था कि हमें क्वेश्चन में पूंजी कोष के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी हुई थी और ना ही ये कहा गया था कि हमें पूंजी कोष की राशि निकालनी है। ये आपको अपने माइंड से समझना होगा कि बिना पूंजी कोष के कोई संस्था कैसे ही चलेगी। तो अगर हमें क्वेश्चन में पूंजी कोष नहीं दिया, यानी कि हमें पूंजी कोष निकालना है और पूंजी कोष हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हमें उसके लिए बनाना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट, जिसमें कि हम लोग पिछले वर्ष से संबंधित जितनी भी हमारी मदें हैं उन्हें दिखाएंगे और लास्ट में जो बैलेंस हमारे लायबिलिटी साइड पर बचेगा वो हमारा होगा कैपिटल फंड। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।